Hello everyone. Well, as we have completed our MCQ fill-ups and true-false part as a revision, है ना? Today we will do application based question answers. आज हम लोग क्या करेंगे? Application based question करेंगे. ठीक है? तो application में हमारा application based जो questions हैं, उसमें हमारा क्या होगा? देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जो एप्लीकेशन हमने यूज़ किया है, जैसे हमने पावर पॉइंट यूज़ किया है, हमने एक्सेल यूज़ किया है या फिर हमने स्क्रैच यूज़ किया है, ये सब क्या है, हमारी एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, है ना? तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकली रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको हम आज सॉल्व करते हैं, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ये हम चैप्टर 6 to 8 करेंगे, क्योंकि 9th में हमारा ये नहीं है, क्योंकि 9th हमारा कोई एप्लीकेशन पार्ट नहीं है, वो एक जनरल टर्म है इंटरनेट, उसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना? अब जो 6, 7, 8 है उसमें हमने क्या क्या किया, देखो स्क्रैच भी किया और पावर पॉइंट किया, तो ये सब हमारी क्या है, एप्लीकेशन है. तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. तो पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्क्रैच का. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृतिका इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इन द स्क्रैच. कृतिका जो है वो स्क्रैच में प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही है. शी वॉन्ट्स टू क्रिएट अ न्यू स्प्राइट इन हर प्रोजेक्ट. वो कोई भी न्यू स्प्राइट बनाना चाहती है. सजेस्ट हर द मैथड टू डू द सेम. देखो स्क्रैच के अंदर स्प्राइट को ऐड कराने के मैंने आपको 2 ways बताए थे, है ना? कौन कौन से 2 ways थे वो? एक तो था जो लाइब्रेरी से हम लोग उसको सिर्फ पिक करते हैं और स्टेज एरिया पे वो आ जाता है, और एक था हमारा जिसमें हम लोग खुद अपना डिज़ाइन कर लेते हैं. ठीक है? तो खुद अपना हमारा जो बना लेते हैं हम लोग उसमें स्क्रैच प्रोजेक्ट में, उससे 2 चीज़ें हैं, लाइब्रेरी वाला और एक है पेंट एडिटर वाला. लाइब्रेरी से तो क्या होता है, वो अपने आप बने बनाए होते हैं, वहाँ से हमें सिर्फ पिक करना होता है, यानी डबल क्लिक करके अपने स्टेज एरिया पे लाना होता है. जो दूसरा है पेंट एडिटर वाला, वहाँ से हम लोग अपना खुद का स्प्राइट बना सकते हैं. तो यही पूछा है हमसे कि अगर हम अपना स्प्राइट बनाना चाहते हैं तो हम किस पे क्लिक करेंगे? पेंट एडिटर वाले ऑप्शन पे, जो न्यू स्प्राइट पे मिलता है हमको, न्यू स्प्राइट वाले ऑप्शन में मिलता है ना स्टेज एरिया के ऊपर. नेक्स्ट इज पेंट एडिटर बोल सकते हैं या फिर सिंपल पेंट ऑप्शन बोल सकते हैं हम लोग, पेंट न्यू स्प्राइट. नेक्स्ट है हमारा, राहुल लव्स टू प्ले गिटार. राहुल गिटार प्ले कराना चाहता है या उसको अच्छा लगता है गिटार प्ले कराना. वाइल वर्किंग ऑन हिज स्क्रैच प्रोजेक्ट ही वॉन्ट्स टू प्ले द साउंड ऑफ गिटार. वो गिटार के साउंड को प्ले कराना चाहता है. हमने साउंड करी थी ना कि अलग अलग साउंड्स प्ले हो जाती हैं हमारी, तो अब क्या करना चाहता करना है हमको, हमें गिटार का साउंड प्ले कराना है. तो गिटार का साउंड प्ले कराने के लिए हम लोग कौन से ब्लॉक के अंदर जाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग को साउंड प्ले कराना है, ये सीधे माइंड में आना चाहिए. साउंड प्ले कराने के लिए हम ऑब्वियसली किस में जाएंगे? साउंड ब्लॉक के अंदर. अब जब हम साउंड ब्लॉक के अंदर चले गए तो साउंड ब्लॉक के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है इंस्ट्रूमेंट्स का, सेट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है? तो सेट इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जाएंगे. सेट इंस्ट्रूमेंट में हम चले गए, वहां पे देखो यहाँ पे होता है सेट इंस्ट्रूमेंट, और एक बॉक्स के अंदर इस तरह का एक ड्रॉपडाउन एरो बना होता है. ड्रॉपडाउन एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम आएंगे और उनके प्रिस्क्राइब नंबर आएंगे. बाय डिफॉल्ट ये 1 पे सेट होता है. जब हम इस ड्रॉपडाउन एरो पे क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद जिसको जो भी साउंड हमको प्ले करनी है बस उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका नंबर शो हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग गिटार का साउंड प्ले करा सकते हैं. तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के एप्लीकेशन बेस्ड. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 7, दैट इज पावर पॉइंट. पावर पॉइंट में देखते हैं हमारा फर्स्ट है, सुरुचिस टीचर आस्क्ड हर टू मेक अ प्रेजेंटेशन यूजिंग द प्री डिजाइंड लेआउट बैकग्राउंड्स एंड कलर स्कीम. विच ऑप्शन विल यू सजेस्ट हर टू अकम्प्लिश दिस टास्क. देखो पहले से ही बने हुए के पहले से ही सब कुछ सेट है, उसमें बैकग्राउंड सेट है, उसमें कलर सेट है, उसमें सब कुछ सेट है, फॉन्ट साइज एवरीथिंग सेट है. अब हमें उन्हीं में से कोई एक चीज को पिक करना है, जो भी हमको अच्छा लग रहा है हमें उस डिजाइन को पिक करना है, उसमें अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है. उस चीज को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट्स. क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्पलेट्स. ठीक है? तो अगर हमें पहले से ही यानी प्री डिजाइन लेआउट से कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम लोग किसके ऊपर क्लिक करेंगे? टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन के ऊपर. डन. नेक्स्ट है हमारा,
Raghav has created a presentation on Go Green by using the pre-designed templates. Raghav ने एक प्रेजेंटेशन बनाई है Go Green के ऊपर जो पहले से ही templates के थ्रू जो पहले से ही designed है ना. He wants to save the presentation, but he does not know how to do so. अब उसको save करनी है presentation. अब save कैसे करेंगे? Save का हमारे पास easy option है, फाइल में जाके सेव किया. पर देखो सेव करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है. एक है क्विक एक्सेस टूल बार से हम लोग कर सकते हैं सेव बटन पे क्लिक. एक है हम लोग शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं दैट इज कंट्रोल प्लस एस. एक है हमारा कि हम लोग फाइल टैब में जाएं और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें. ठीक है, तो इनमें से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं सेव करने के लिए. तो सेव करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं. यहाँ पे हमने लिखा है फाइल के अंदर जाके हम लोग सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 7 के. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 8. अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो है वो भी हमारा है पावर पॉइंट से रिलेटेड. उसमें हमने स्लाइड मास्टर के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे हमारा रिया वॉन्ट्स टू एड टेक्स्ट इन हर स्लाइड बट आउटसाइड द प्लेस होल्डर. देखो हमने एक चीज हमेशा पढ़ी है कि पावर पॉइंट में जो भी हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं वो हमेशा प्लेस होल्डर के अंदर करते हैं, है ना. प्लेस होल्डर के बाहर करने का सिर्फ एक ही वे है कि अगर हम लोग प्लेस होल्डर के बाहर एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करें. टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करके हम लोग इजीली अपना वर्क अपना टेक्स्ट वहां पे ऐड कर सकते हैं. तो बाहर ऐड करने के लिए टेक्स्ट को प्लेस होल्डर के बाहर ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा फीचर चूज करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स. नेक्स्ट इज आर्यन्स टीचर हैज आस्क्ड हिम टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक सेव एनवायरमेंट. सेव एनवायरमेंट पे एक प्रेजेंटेशन बनाना है आर्यन को. ही हैज टाइप द कंटेंट फॉर द सेम. उसने पूरा कंटेंट रेडी कर लिया है बट डज नॉट नो हाउ टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर रेलिवेंट टू द टॉपिक. अब देखो जो हमारी गैलरी होती है वहां पे पॉसिबल नहीं है कि हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर पिक्चर मिल जाए, बट ऑनलाइन हमको मिल सकती है. मैंने आपको ऑनलाइन पिक्चर ऐड करना बताया. ठीक है, तो ऑनलाइन पिक्चर अगर हमें ऐड करनी है तो ऑनलाइन पिक्चर हम कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले कौन से टैब में जाते हैं? वील गो इन द इंसर्ट टैब. कौन से टैब से इंसर्ट करते हैं हम ऑनलाइन पिक्चर? इंसर्ट टैब से. ठीक है, तो ये थे हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स. यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. थैंक यू.